हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम है मुस्कान राणा और आज हम पेंट करने वाले हैं एक प्यारा सा कैमरा। तो बिना कोई देरी करते हुए वीडियो के अंदर चलते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं सबसे पहले इसका बैकग्राउंड बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी लिया है और उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स डाल रही हूँ, इससे हमारा कलरफुल बैकग्राउंड बने। क्योंकि मैं जो कैमरा है वो ब्लैक एंड वाइट टाइप बना रही हूँ, तो बैकग्राउंड थोड़ा कलरफुल होगा तो बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने इस तरह से कलर डाला है पानी के ऊपर और फिर मैं इसमें फूंक मार रही हूँ जिससे ये कलर फैल रहे हैं और बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड बन रहा है। देखो, मैंने दोनों साइड बना लिया है। तो अब हम कैमरा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने स्केल ले लिया है और पेंसिल ले ली है, अब हम लाइनें खींच रहे हैं। तो मैं पहले टॉप बना रही हूँ कैमरे का। तो या ये टॉप बन रहा है कैमरे का। हाँ, ये तो बहुत इजी प्रोसेस है, काम तो शुरू होता है पेंटिंग से। तो ये देखो, देन अब मैंने एक अपने बैंगल लिया है और बैंगल से बना रहे हैं हम कैमरे का आगे, जिससे फ़ोटो खींचते हैं कि। तो वो मैंने कंपास लिया है, उसके अंदर बनाएंगे हम छोटू सा गोला कंपास से, क्योंकि इतनी छोटी बैंगल तो मेरे पास है नहीं। तो या ये बना रहे हैं हम, और उसके पीछे भी या हाफ हाफ सर्कल बनाएंगे और कैमरे तक पहुंचेंगे। यह बन रहा है कैमरा। या तो ये थोड़ी और लाइनें खींच लेते हैं, इसी तरह हमारा कैमरा तैयार हो जाएगा धीरे धीरे। या ये साइड में जैसे हम कैमरे से फ़ोटो क्लिक करते हैं वो बना रही, थोड़ी थोड़ी लाइनें बना लेते हैं इसमें पैटर्न। और अब हम शुरू करेंगे कलर करना। तो ये मैंने ब्लैक कलर लिया है और सबसे पहले मैं लाइट लाइट सा ब्लैक कलर कर रही हूँ। थोड़ा पानी से इसको स्मच करेंगे और अब मैंने थोड़ा डार्क डार्क करा है। इसी तरह करते रहेंगे हम ब्लैक कलर। छोटी छोटी लाइनें बना रही हूँ ब्लैक कलर से। अब थोड़ा डार्क ब्लैक, सिंपल प्रोसेस है। अगर आप धीरे धीरे करोगे तो बहुत आसान लगेगा। तो इसी तरह ये मैंने ब्लैक कलर से ये सर्कल बना लिया है और धीरे धीरे इसमें शेड करेंगे थोड़ा पानी से, थोड़ा ब्लैक कलर से। या आप देख रहे हो कि पहले मैंने लाइट से स्टार्ट किया है, उसके बाद डार्क से। वैसे ना, अगर आप ये जान जाओगे कि कलर्स को कैसे यूज़ करना है पेंटिंग कलर को, कि कब हमें डार्क शेड लगाना है और कब हमें लाइट शेड लगाना है, तो चाहे आप पेंटिंग सिंगल एक कलर से बनाओ ना तो भी वो बहुत सुंदर बनती है। बट अगर आपको यही नहीं पता कि कब हमें डार्क शेड यूज़ करना है कब लाइट शेड यूज़ करना है, तो आप चाहे 10 कलर ले लो तब भी पेंटिंग इतनी खास नहीं बनती है। तो देखो आप, मैं सिर्फ ओनली ब्लैक कलर से बना रही हूँ, बट एक वो बन रहा है अच्छे से बनते बन। लाइट एंड डार्क शेड्स आ रहे हैं कैमरे के अंदर, मतलब पता लग रहा है कि कहाँ से डार्क है और कहाँ से लाइट है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपको शेड्स का पता हो तो आप इजीली बना सकते हो कि कब हमें लाइट यूज़ करना है कब डार्क। तो ये देखो, अब मैं साइड में थोड़ा बाउंड्री साइड मैंने थोड़ा डार्क करा, देन उसके बाद उसमें पानी से उसको स्मच करा, उसके बाद उसमें डार्क कलर कर रही हूँ जैसे आप देख रहे हो। अब मैं अपर साइड इसकी कलर कर रही हूँ। या तो ये कैमरा थोड़ा बहुत बन के तैयार हो गया। अब कैमरे के अंदर हम थोड़े कलर्स डालते हैं। पिंक कलर डाला है एंड ब्लू कलर डाला है हमने इसमें। अब थोड़ा सा पानी गिराएंगे। जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में बैकग्राउंड बना था वैसे ही ये बना रही हूँ। तो इसमें मैंने पिंक एंड ब्लू कलर से बना रही हूँ ये। तो ये बन के तैयार हो चुका है, बट मैंने पहले आपको बता दिया था, मैंने जैसे बैकग्राउंड बनाया वैसे ही ये बनाया है। हमारा कैमरा बनके तैयार हो चुका है। आई होप आप सबको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है
तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय गाइस।